गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एंटीबॉडी के आगे के पार्ट को। हम लोगों ने एंटीबॉडी किया था एंड एंटीबॉडी से रिलेटेड जो भी बातें थी उसको कंप्लीट किए थे। एंटीबॉडी में हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक एक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसको हम लोग MAB से इस तरह से डिनोट करते हैं, M फॉर मोनोक्लोनल और AB से एंटीबॉडी। ठीक है, देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब हुआ कि जब एक पार्टिकुलर यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम लोग एक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, हाइब्रिडोमा का मतलब एक हाइब्रिड सेल तैयार करते हैं और उस हाइब्रिड सेल से एक पार्टिकुलर एंटीबॉडी यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडी का, अलग अलग टाइप के नहीं, सिर्फ एक तरह का एक पार्टिकुलर जो किसी पार्टिकुलर डिजीज के लिए एक पार्टिकुलर एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वैसे एंटीबॉडी को जो तैयार करते हैं हम लोग उसको कहते हैं हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकली प्रोसेस को समझना होगा कि आखिर कैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम लोग तैयार करते हैं, तब जाकर के आपको सारी बातें जो है वो क्लियर हो पाएगी कि क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सबसे पहले हम लोग एक माउस लेते हैं, ये माउस इंजेक्टेड विथ एंटीजन। ठीक है, यानी एक माउस लिया, उस माउस में कोई एक एंटीजन को हमने डाल दिया। एंटीजन को डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एंटीजन फैलेगा और वो अपना असर दिखाना चालू करेगा। जब उस माउस में हमने एक स्पेसिफिक एंटीजन को, यानी स्पेसिफिक करने का मतलब एक वर्ड भी लगा देते हैं यहां पर, पार्टिकुलर कोई स्पेसिफिक होगा, हर तरह का नहीं, कोई एक ही तरह का, तो एक स्पेसिफिक एंटीजन को हमने इंजेक्ट कर दिया है माउस में और तब जिस माउस में हमने यह स्पेसिफिक एंटीजन को डाला है उस माउस के स्प्लीन को हम लोग रिमूव करेंगे। स्प्लीन इज रिमूव फ्रॉम माउस विच हैज एंटीजन। अब इस स्प्लीन को जो स्प्लीन लिया है हमने उस स्प्लीन को हम लोग स्प्लीन इज मिक्स्ड विथ माइलोमा सेल। माइलोमा सेल का मतलब कैंसर सेल। क्यों ऐसा? क्योंकि कैंसर सेल में कंटिन्यूअस डिवीजन करने की टेंडेंसी होती है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहता है। तो वैसे सेल को लेते हैं जिसमें कंटिन्यूअस डिवीजन करने की टेंडेंसी है, माइलोमा सेल या कैंसर सेल को ले लिए। अब क्या होगा कि जो हमारा स्प्लीन के सेल हैं और माइलोमा के सेल हैं वो आपस में कुछ सेल जो है वो फ्यूज करेंगे, यानी कि सम सेल ऑफ स्प्लीन विच हैज बी सेल फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन फ्यूज विथ
माइलोमा सेल, फ्यूज विद माइलोमा सेल, किसके साथ फ्यूज करेगा, तो वह माइलोमा सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। जब माइलोमा सेल के साथ फ्यूज किया तो अब देखो कि क्या होगा, माइलोमा सेल का काम है कंटिन्यूअसली डिवीजन करना, और एस्प्लीन सेल यानी जी ऐसा हमने एस्प्लीन सेल कहां से लिया था, तो जिस माउस में हमने स्पेसिफिक एंटीजन डाला था, एंटीजन डालेंगे तो एस्प्लीन में बी सेल भी होगा, और वो बी सेल क्या करेगा, इस स्पेसिफिक एंटीजन के अप्रोक्स में एगेंस्ट में एंटीबॉडी को तैयार करेगा। जैसे हमने यहां पर ये मेंशन किया कि सम सेल ऑफ एस्प्लीन विच हैज बी सेल फॉर स्पेसिफिक एंटीजन, बी सेल कहने का मतलब एंटीबॉडी, तो बी सेल का काम क्या है, एंटीबॉडी का बनाना, फ्यूज विद माइलोमा सेल। अब सेल ऑफ एस्प्लीन, एस्प्लीन प्रोड्यूस एंटीबॉडी फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन एंड माइलोमा सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड, कहने का मतलब माइलोमा सेल का टेंडेंसी क्या है, कंटिन्यूअस डिवाइड करने का, तो जब वो एस्प्लीन सेल के साथ फ्यूज हुआ है तब भी वो डिवाइड कराएगा, लेकिन माइलोमा सेल एंटीबॉडी नहीं बना सकता है। उसी तरह एस्प्लीन सेल, एस्प्लीन का जो सेल है वो एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन वो कैंसर सेल के जितना फास्ट डिवाइड नहीं कर सकता है। तो दोनों के कैरेक्टर को मिस कर दिए, दोनों के जो कैपेबिलिटी है वो आपस में मिक्स हो गई, तो तेजी से डिवाइड भी करेगा, और जितना ज्यादा तेजी से डिवाइड करेगा तो वो क्या करेगा, उतना ज्यादा एंटीबॉडी को बनाएगा, और कैसा एंटीबॉडी बनाएगा, तो जो स्पेसिफिक एंटीजन हमने डाला है वैसा एंटीजन का एंटीबॉडी बनेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई, तो ये जो मिक्स हुआ या जो फ्यूजन हुआ है दोनों का, किसका, एस्प्लीन सेल का और माइलोमा सेल का, तो ये क्या करेंगे, दोनों के अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना अपना कंप्लीट काम को करेंगे। अब देखो तो यहां पर ये दोनों जो मिक्स हुए हैं, द मिक्स सेल इज फॉर्म हाइब्रिड सेल, जो मिक्स सेल है वो क्या बनाया, तो वह हाइब्रिड सेल बनाया, यानी कि जो हाइब्रिड सेल है वह कंटिन्यूअस डिवाइड भी करेगा, और जितना ज्यादा डिवाइड करेगा उतना ज्यादा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी करेगा, ठीक है। और ये सारा काम हम लोग कहां करते हैं, तो एक कल्चर मीडिया में हम लोग करते हैं, यानी एक तरह का एक कल्चर है। अब हाइब्रिड सेल प्रोलिफरेट इनटू क्लोन कॉल्ड हाइब्रिडोमास, कॉल्ड हाइब्रिडोमास, उसी को यानी जो हाइब्रिड सेल कल्चर में डालेंगे तो क्या करेगा, प्रोलिफरेट करने का मतलब बार बार डिवाइड करेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग हाइब्रिडोमास कहते हैं, और हाइब्रिडोमास कल्चर टू प्रोड्यूस हाइब्रिडोमास कल्चर टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंटीबॉडी, प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी, तो जो एंटीबॉडी बनाएगा ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो अब ये जो एंटीबॉडी बन रहा है यही क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच इज मोनोक्लोनल एंटी
बॉडीज। तो इसका नाम क्यों पड़ गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, कभी सोचे हैं? अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्यों नाम पड़ गया इसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्योंकि बिकॉज दे कम फ्रॉम ए सिंगल क्लोन। तो ये क्या हो गया, बिकॉज दे कम फ्रॉम ए सिंगल क्लोन, बिकॉज दे कम फ्रॉम ए सिंगल क्लोन, मतलब एक ही जैसे क्लोन से ये क्या हुआ है, आया है सिंगल क्लोन ऑफ आइडेंटिकल सेल भी कर सकते हैं, आइडेंटिकल सेल। तो यहां पर नोटिस कीजिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसी को शॉर्ट में इस तरह से हम कर सकते हैं, एस्प्लीन सेल ऑफ माउस विद इंजेक्टेड एंटीजन। और ये क्या हुआ है, इसको हम लोगों ने फ्यूज कराया है किसके साथ, तो फ्यूज कराया है माइलोमा सेल के साथ। क्या हो गया, माइलोमा सेल। माइलोमा सेल को ही क्या कहते हैं हम लोग, कैंसर सेल। जिस चूहे के अंदर हमने एंटीजन डाला है तो उस चूहे के अंदर एंटीबॉडी बनेगा इस एंटीजन के लिए, तो एंटीजन बनाने की टेंडेंसी स्प्लीन सेल में है और इसको कंटिन्यूअस डिवाइड करने की है। तो ये जब दोनों फ्यूज करते हैं, ये दोनों जो फ्यूज करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, तो ये बन गया हाइब्रिड सेल। और इस हाइब्रिड सेल के दो कैरेक्टर हैं, क्या क्या कैरेक्टर हैं, तो एक कैरेक्टर है कंटिन्यूअस डिवीजन करने की है, और दूसरा कैरेक्टर क्या है इस हाइब्रिड सेल का, तो दूसरा कैरेक्टर है स्पेसिफिक एंटीबॉडी, यानी एक ही तरह का, या इस तरह से लिख दीजिए सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो एक ही तरह का करेगा तो मोनो, और क्लोनल का मतलब अब यही हाइब्रिड सेल जो है वह कंटिन्यू क्या करेगा, तो वह हाइब्रिड सेल डिवाइड करेगा कंटिन्यू। तो डिवाइड करेगा तो मतलब वह अपना क्लोन तैयार करेगा, इसी चीज को हम अब हाइब्रिड सेल, यही हाइब्रिड सेल क्या करेगा, हाइब्रिड सेल अपना क्लोन तैयार करेगा डिवाइड करके, ठीक है ना, किसमें, तो किसी कल्चर में। और क्लोन क्या काम करेगा, तो क्लोन जो है वह मोनो क्लोनल एंटीबॉडी बनाएगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब यहां तक की बात जब आप अब समझ चुके होंगे क्या होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग आगे की बातों को। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गई बात कंप्लीट हमारी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बाद में अब हम लोग देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन या कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, देखिए
एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है, एंटीबॉडी का काम क्या है, इनएक्टिवेट करना है किसका, तो फॉरेन पार्टिकल का। तो वो इनएक्टिवेट करने का जो तरीका है वो बहुत सारे तरीके से हो सकता है। एंटीबॉडी इनएक्टिवेट, एंटीबॉडी इनएक्टिवेट एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल बाय वेरियस वेज, बहुत सारे तरीके से ये क्या करता है, उसको इनएक्टिवेट करने का काम करता है। जैसे देखिए, सबसे पहले एग्लूटिनेशन, द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन जो है वो क्या कहलाता है, तो वो एग्लूटिनेशन कहलाता है। ओके, एग्लूटिनेशन के बाद में है ऑप्शनाइजेशन, ठीक है ना। ऑप्शनाइजेशन, ऑप्शनाइजेशन का मतलब हुआ कि माइक्रोब जो है वो फाइगोसाइटिक नेचर शो कराता है, ठीक है। तो माइक्रोब्स या एंटीजेंस, माइक्रोब्स आर मोर मोर ससेप्टिबल फॉर फाइगोसाइटोसिस, मोर ससेप्टिबल फॉर फाइगोसाइटोसिस फॉर सोनाइजेशन एंड दैट एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडी इस तरह का नेचर दिखाता है उसको, उस एंटीबॉडी को हम लोग कहते हैं ऑप्सोनिन, ठीक है। तो एंड दीज एंटीबॉडीज आर कॉल्ड, दीज एंटीबॉडीज आर कॉल्ड ऑप्सोनिन, ठीक है। ऑप्शनाइजेशन एक तरीका हो गया, यानी कि जो पैथोजेन होते हैं या एंटीजन जो होता है वह फाइगोसाइटिक नेचर, यानी कहने का मतलब कि वह किसी दूसरे यानी मैक्रोफाज क्या करता है, उसको इंगल्फ कर लेता है। इंगल्फ करने का मतलब फाइगोसाइटिस का नेचर वो दिखाता है, तो माइक्रोब जो है वह आसानी से फाइगोसाइटोसिस में फंस जाता है। ओके, अब आइए प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ जो एग्लूटिनेटेड एंटीजन और सॉल्यूबल एंटीजन और सोल्यूबल एंटीजन, ये दोनों जो है आपस में, एग्लूटिनेशन का मतलब हो गया कि जब इंटरेक्शन होगा तो ये इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, दोनों आपस में फ्यूज किए तो न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो कुछ एंटीजन जो होते हैं वह एग्लूटिनेशन, या कुछ सोल्यूबल एंटीजन होते हैं जो कल्चर से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो जब सोल्यूबल एंटीजन है वो कल्चर से बाहर आकर के
और ये दोनों जो है एक प्रेसिपिटेट बनाएंगे यानी कि जमने का काम करेंगे, तो उसी को कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस का मतलब यही हुआ। तो ये सभी जो है वो फाइगोसाइटाइज प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी फाइगोसाइटोसिस जब होगा तो एक प्रेसिपिटेशन बनेगा। प्रेसिपिटेट कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। उसके बाद में देखिए न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एंटीबॉडी जो है वह एंटीजन को न्यूट्रलाइज यानी उसके टॉक्सिसिटी को खत्म करने का काम करता है। एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेज दी टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेज दी टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीजन। उसके बाद में है लाइसिस। सम एंटीबॉडी लाइज द मेम्ब्रेन ऑफ एंटीजन और माइक्रोब्स दैट इज फॉर्म ए पोर ऑन मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसिस कहते हैं। तो इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी का जो है वह इंटरेक्शन जो है वह होता है। यही इंटरेक्शन हम लोगों को देखना पड़ता है। पांचों इंटरेक्शन जो है वह आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और वो पांचों इंटरेक्शन आपको साथ लेके चलना है। ओके, अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या यहां तक की बातें हो गई पूरी। अब हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करना है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कौन कौन से इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। देखिए हमारे इम्यून सिस्टम में इंक्लूड होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू सेल एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज। यानी कि जो भी हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम में यानी यही सब तो है जो हमें किसी पैथोजन से फाइट करके हैं और क्या करते हैं, हमें हेल्दी रखने का काम करते हैं। इम्यून सिस्टम consist lymphoid tissue, lymphoid organ, tissue cell
एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल या एंटीबॉडी। अब जब हम लोग बात करते हैं थोड़ा लिम्फोइड टिश्यू की, सॉरी लिम्फोइड ऑर्गन की, देर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड ये हुआ सेकेंडरी लिम्फोइड, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में इंक्लूड होते हैं, हमको इसमें देखना है बोन मैरो एंड थाइमस के बारे में, जबकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इंक्लूड होता है एस्प्लीन, उसके बाद में लिम्फ नोड, उसके बाद में टॉन्सिल्स, उसके बाद में पेयर्स पैचेस, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, पूरा नाम है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, आप इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है ना, बार बार हम माल्ट से काम चलाएंगे तब कंफ्यूज ना होंगे, माल्ट का नाम आपको याद रखना है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू। प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू, प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू उसको कहते हैं सबसे पहले जो मूव करता है, यानी एक जगह बनेगा और दूसरे जगह, लिम्फोइड टिश्यू नहीं लिम्फोइड ऑर्गन सॉरी, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस, तो इसमें जो बनने वाले हैं जैसे बी सेल टी सेल मैच्योर होता है बनता है ये सब, तो ये जो बनते हैं कहीं और सर्कुलेट होते हैं ब्लड के थ्रू थ्रू आउट द बॉडी, तो ये जो चीज है वो इस तरह कैरेक्टर जो है वो इंक्लूड होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, लेकिन यहां सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरे जगह ये मूव करते हैं, चाहे लिम्फ नोड हो टॉन्सिल हो पेयर पैसेज हो या माल्ट हो, ये सब मूव नहीं करते हैं, तो ये सब इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में रखते हैं, तो ये बातें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यही बारी बारी जो है हम लोगों को देखना होगा कि क्या है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और क्या है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कौन सा, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बी सेल और टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं एंड माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो बी सेल एंड टी सेल इधर से लिखते हैं, हमने क्या बताया कि ये माइग्रेट करते हैं यानी मूव करते हैं, तो बी सेल एंड टी सेल आर मैच्योर इंटू प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड माइग्रेट टू
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो मैच्योर होकर के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की ओर ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, तो बोन मैरो के बारे में देखना है। बोन मैरो आप जानते हो, बोन के बीच वाला जो पार्ट होता है इसी को हम लोग बोन मैरो कहते हैं। और सारे तरह के ब्लड सेल, चाहे बी सेल हो या टी सेल हो या आरबीसी हो या कोई भी तरह का प्लेटलेट हो, जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो यही बनते हैं, और साथ ही साथ बी सेल का मैचुरेशन भी जो है वह बोन मैरो में ही होता है। तो ऊपर लिखे हैं इसका हम बोन मैरो का ही, स्पेस नीचे नहीं है। तो क्या हम कह रहे हैं, ऑल ब्लड सेल आर फॉर्म, सभी तरह के ब्लड सेल जो है वह बनेंगे एंड मैचुरेशन ऑफ बी सेल इज अकर्स इन फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल एंड मैचुरेशन ऑफ बी सेल इज अकर्स इन बोन मैरो। तो सारे तरह के ब्लड सेल का फॉर्मेशन और बी सेल का जो है वह मैचुरेशन वो कहां होता है, तो वह बोन मैरो में होता है। अब सेकेंड जो है वह क्या है, तो वह है थाइमस। थाइमस क्या कह रहा है हमारा, तो थाइमस सबसे पहले जो हमारा इस साइड में हार्ट है, हार्ट के बगल में होता है, सिचुएटेड नियर टू हार्ट। और थाइमस जो है वह टी सेल के मैचुरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो टी सेल बनता है उस टी सेल को मैच्योर कराने का काम जो, यानी जो साइट है वह कौन है, वो कहां, थाइमस में ही होता है। थाइमस की एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टर है कि जब हम जन्म लेते हैं ड्यूरिंग द बर्थ या एट द बर्थ इसका साइज बड़ा होता है, बट जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है इसका साइज छोटा होते चला जाता है। यानी हमारा एज बढ़ेगा तो थाइमस का साइज क्या होगा, थाइमस का साइज जो है वह छोटा होते चला जाएगा। सबसे पहले सिचुएटेड नियर द हार्ट, इट इज लार्ज इन साइज एट द टाइम ऑफ बर्थ, इट इज लार्ज इन साइज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट रिड्यूसिंग एडल्ट स्टेज। जैसे जैसे हम एडल्ट स्टेज में जाएंगे तो इसका साइज रिड्यूस होते चला जाएगा। टी सेल आर मैच्योर इन थाइमस, टी सेल कहां मैच्योर होता है, तो थाइमस में मैच्योर होता है। और आप जानते हो, बता भी चुके हैं कि टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है,
इसीलिए इसका नाम टी सेल पड़ा है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम टी सेल हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जिसको हम लोगों को बारी बारी देखना है। तो अब हेडिंग देंगे हम लोग क्या, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब हुआ कि लिम्फोसाइट डू नॉट माइग्रेट फ्रॉम अदर ऑर्गन या अदर लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये इसके जो लिम्फोसाइट हैं वह माइग्रेट नहीं करेंगे, क्लियर, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं और यह सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। बस अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। लिम्फोसाइट डू नॉट माइग्रेट फ्रॉम वन लिम्फोइड ऑर्गन टू another। In this include, तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, तो इसमें सबसे पहले इंक्लूड करेंगे हम लोग किसको, तो वह एस्प्लीन को, ठीक। एस्प्लीन आपको शायद पहले भी आया होगा, एस्प्लीन जो है वह एक बीन शेप्ड का लार्जेस्ट सिंगल मास होता है लिम्फोइड टिश्यू में, और यह फीटस में सारे तरह के ब्लड सेल का प्रोडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज, मुझे याद नहीं है कि मैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पहला फर्स्ट क्या लिखा था, क्योंकि मिटा चुका हूं, नंबरिंग से कोई इश्यू नहीं है। चलिए स्प्लीन या लिम्फ नोड जो पहले लिखे होंगे, डजंट मैटर, यहां पे स्प्लीन हम लिखा गया, इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इट इज बीन शेप्ड लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इट प्रोड्यूसेस ऑल ब्लड सेल इन फिटस बट आफ्टर बर्थ it produce only lymphocyte। तो बर्थ के बाद में यह क्या बनाता है, सिर्फ लिम्फोसाइट और कुछ प्लाज्मा सेल को भी, तो कर सकते हैं लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल, कुछ प्लाज्मा सेल को, क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है, एंड ये प्लाज्मा सेल को बनाता है, ओके। अब लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड देखिए, लिम्फ नोड जो है वह एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट में होता है, लगभग सभी पार्ट में।
ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर, कभी कभी इसका साइज बड़ा हो जाता है तो हमारे मसल्स के ऊपर से भी उठा उठा हुआ कुछ महसूस होता है। तो दिस इज द लिंच नोड। और किसी में एलर्जी का अगर ज्यादा कंडीशन है तो उसमें लिम्फ नोड और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें जिसका बॉडी हाइपर सेंसिटिव है या एलर्जी से उसे ज्यादा किसी चीज से बहुत ज्यादा एलर्जी है तो जो एलर्जेंस होगा उसके वजह से भी लिम्फ नोड जो है वह बढ़ जाता है। ठीक, तो यह अल्टरनेट अलोंग विथ लिम्फोसाइट्स में होता है। यह एक सॉलिड पार्ट है और यह अल्टरनेटिवली यानी यहां है तो यहां पर होगा, यहां है तो फिर यहां पर होगा, कंटिन्यूअस नहीं है। यह एक सॉलिड पार्ट के रूप में स्मॉल सॉलिड पार्ट है जो अल्टरनेट में अलोंग विथ लिम्फोसाइट के साथ में यह रहता है हमारे बॉडी में। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना होगा। तो लिम्फ नोड यह एक स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है और फाउंड इन कहां, तो लिम्फोइड टिश्यू के साथ में। यह एक फिल्टर की तरह काम करता है, यानी इसके थ्रू अगर कोई चीज गुजरेगा कोई पैथोजन तो उसको फिल्टर करके कैप्चर कर लेगा। इट इज ए स्मॉल सॉलिड पार्ट फाउंड इन अल्टरनेट along with lymphoid tissue it acts as filter। फिल्टर एज एज फिल्टर का मतलब किसको फिल्टर करने का काम करेगा, तो ये फिल्टर करता है वही पैथोजन को। एज फिल्टर फॉर लिम्फ, तो लिम्फ में अगर कोई भी पैथोजन है तो उसको फिल्टर करके और उसको न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वह इसके थ्रू होता है। अब आइए टॉन्सिल। टॉन्सिल जो है यह फिल्टर है किसका, जो फिल्टर करता है किसको, तो बैक्टीरिया को। टॉन्सिल फोर या सिक्स टॉन्सिल होते हैं, ठीक है, सिक्स टॉन्सिल्स, फोर टॉन्सिल तो हमारा यहीं पर होता है, सिक्स टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी इट एक्ट एज फिल्टर फॉर बैक्टीरिया। नेक्स्ट इसके बाद में आई थिंक एयर पैचेज होंगे, एयर PAYERS एयर पैचेज। एयर पैचेज क्या है, तो एयर पैचेज यह क्लस्टर ऑफ लिम्फ है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट इज क्लस्टर ऑफ लिम्फ फाउंड इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई पैथोजन जाएगा या कोई एंटीजन रहेगा तो उस पार्ट में पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने का काम ये करता है, यानी इंटेस्टाइन में खास करके।
तो यह लिम्फ नोड्यूल का क्या है, तो क्लस्टर, तो इसीलिए लिखेंगे क्लस्टर ऑफ लिम्फ, लिम्फ नोड्यूल, क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड्यूल। अब आइए है हमारा हो गया कौन कौन सा, स्क्रीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल, पेयर पैचेस, यानी शिफ्ट में माल्ट, माल्ट का फुल फॉर्म लिखे थे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर कहने का मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और हमारा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, ये ट्रैक्ट पे जो लेयर आउटर लेयर है दैट इज द म्यूकोसा लेयर। दिस इज द मेजर साइट फॉर द एंट्री ऑफ पैथोजेन, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हम हमेशा क्या कर रहे हैं, माउथ ओपन या नोज के थ्रू हम लोग रेस्पिरेशन करें तो एयर जा रहा है, एयर इस खुले एनवायरमेंट से हम अपने अंदर ले रहे हैं। उसी तरह फिर आप देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में खाना खा रहे हैं, तो उस खुले से खाना जब हम हाथ से लेकर के खाया तो उसमें भी बहुत सारे पैथोजन हमारे अंदर जाएगा, और खुले में जो हम यूरिनेशन करते हैं तो वहां से यूरिन के कॉन्टेक्ट यानी ओपन एनवायरमेंट में वो पार्ट हमारा आया। तो ये जो पार्ट है ये मेजर साइट है फॉर द एंट्री ऑफ पैथोजेन, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उन सारे लिम्फोइड टिश्यू के ग्रुप को हम लोग कहते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं माल्ट, MALT माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। रेस्पिरेटरी ट्रैक डाइजेस्टिव ट्रैक म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक डाइजेस्टिव ट्रैक म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यूरिथ्रोजेनाइटल ट्रैक्ट आर मेजर साइट फॉर मेजर साइट फॉर एंट्री ऑफ पैथोजेन, विच इज प्रोटेक्टेड बाई ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, विच इज कंबाइंडली कॉल्ड माल्ट। इसी को हम लोग कंबाइंड में क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कंबाइंड में माल्ट कहते हैं। बात समझिए, तो दिस इज द कंबाइंडली कॉल्ड माल्ट। तो जो इन सरफेस को यानी म्यूकोसा पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहां तक ये सारी बातें हमारी हो गई, यानी सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू भी कंप्लीट हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू के बाद में हम लोग को देखना है वैक्सीन के बारे में।
तो क्या है वैक्सीन, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बचपन से लेकर अभी तक हम सभी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है वैक्सीन। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या हो वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन देखिए, तो वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन एक ऐसा प्रिपरेशन है, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमें डिजीज तो काउज नहीं करता है, लेकिन हम उसे अगर अपने बॉडी में डालते हैं तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमें डिजीज तो नहीं होगी लेकिन हम अपने अंदर उसके लिए एंटीबॉडी तैयार कर लेंगे और वो एंटीबॉडी हमारे मेमोरी सेल के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग वैक्सीन। तो सबसे पहले वैक्सीन का डेफिनेशन क्या कहता है हमारा, वैक्सीन इज ए प्रिपरेशन ऑफ, वैक्सीन इज ए प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ डेड या एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड का मतलब होता है वीक, एटीन्यूएटेड जर्म ऑफ डिजीज, जर्म ऑफ डिजीज वे इट इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी विच इज इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी टू प्रोड्यूस, आवर बॉडी टू प्रोड्यूस ड्यूस एंटीबॉडी दैट एंटीबॉडी स्टोर इन मेमोरी। तो मेमोरी, कभी सुना है कि सेना अभ्यास, ठीक है, अमेरिका और इंडिया के आर्मी ने मिलकर के सेना अभ्यास किया है, क्या होता है इसका मतलब, क्यों सेना अभ्यास किया, लड़ाई तो हो नहीं रही है। दिस इज द प्रैक्टिस, कहने का मतलब कि जब एक्चुअल लड़ाई हो तो वो प्रैक्टिस उसको काम आएगा, उसी तरह यहां पर ये होता है। तो मतलब पहले से ही हमने एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी का मतलब हुआ, एक चीज आज आपको समझा ही देते हैं, एक तरफ है एंटीबॉडी और एक तरफ है एंटीजन, ठीक है ना, एक तरफ एंटीबॉडी और एक तरफ है एंटीजन, दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, एंटीबॉडी यह आर्मी है यानी इंडियन आर्मी, और एंटीजन का मतलब टेररिस्ट, ठीक है, इंडियन आर्मी भी क्या है, यह भी एक ह्यूमन है, जैसे एंटीबॉडी क्या है, एक तरह से प्रोटीन है, और इंडियन आर्मी का हमेशा एक लुक होता है, यानी यह हमेशा प्रोटीन होगा, ठीक है ना, हमेशा इंडियन आर्मी क्या देखते हैं आप, उसको उसके वर्दी में देखते हैं, उसका एक यूनिफॉर्म है, उसमें वो रहता है, ठीक, जिसे आप पहचान लेते हैं कि यह इंडियन आर्मी है, तो यह सिंगल फॉर्म हो गया। और टेररिस्ट को क्या देखते हैं, टेररिस्ट जो है वह डिफरेंट फॉर्म में, तो कभी दाढ़ी मूछ लगा करके टेररिस्ट होगा, कोई स्मार्ट टेररिस्ट है, टेररिस्ट का मतलब क्या हुआ, नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक, तो उसी तरह ये क्या हो सकता है, यह प्रोटीन का भी हो सकता है
या न्यूक्लिक एसिड का भी हो सकता है और या पॉली सैकेराइड का भी हो सकता है। तो टेररिस्ट को मारने का काम कौन कर रहा है? इंडियन आर्मी करता है, ये इसको किल करता है। तो इंडियन आर्मी हमेशा क्या काम करता है? सिर्फ टेररिस्ट को मारने का काम करता है, यानी एंटीबॉडी सिर्फ किसको मारेगा? एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेगा। जबकि टेररिस्ट क्या काम करता है? टेररिस्ट जो है वह इंडियन आर्मी को भी मारेगा, ठीक, टेररिस्ट जो है वह सिविलियन को भी मारेगा, यानी नॉर्मल पॉपुलेशन को भी मारेगा। तो एंटीजन जो है वह एंटीबॉडी को भी मारेगा और सिविलियन का मतलब यानी कि वह बॉडी ऑर्गन को भी मारेगा। ओके, तो ये बात इस तरह से आप समझ के रखो। तो मेमोरी करके, मेमोराइज करके स्टोर कर लिया अपने मेमोरी में कि जब उस एक्चुअल में वह वैसा एंटीजन आए तो उससे आसानी से वह फाइट कर सके, यानी उससे लड़ने वाला पहले से हथियार मौजूद है। कि अगर कोई टेररिस्ट AK-47 लेके आ रहा है तो भी रेडी है हमारा इंडियन आर्मी यानी एंटीबॉडी, और अगर वह सिंपल सा रिवॉल्वर लेके आ रहा है तो तब भी फाइट करने के लिए रेडी है। अब फर्स्ट वैक्सीन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडवर्ड जेनर एंड लुईस पास्टर। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था, और एक्चुअल में जो इन्होंने तो एक्सीडेंटली नहीं इन्होंने एक रिसर्च किया, देखा कि काउ के ऊपर जो काउ पहले से सफर कर रही है उसके ऊपर जो मिल्कमैन था उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स का असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। और एक्चुअल में जो लेबोरेटिकल स्केल पे जो वैक्सीन जो प्रिपेयर किए थे वो लुईस पास्टर ने किया था। तो इस तरह से वैक्सीन बना। अब देखिए टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ वैक्सीन जो है वो जैसे एटीन्यूएटेड वैक्सीन हमने नाम लिया, कुछ डीएनए वैक्सीन है यानी वहां पर डीएनए के रोल की वजह से हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो वैक्सीन है उसको हम लोग देखेंगे। बहुत लंबा चौड़ा वैक्सीन का टाइप हम लोगों को नहीं जानना है, तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एटीन्यूएटेड या होल एजेंट वैक्सीन हम लोग फर्स्ट देखेंगे। एटीन्यूएटेड और होल एजेंट, एटीन्यूएटेड और होल एजेंट वैक्सीन। तो एटीन्यूएटेड या होल एजेंट वैक्सीन जो है वह हमारा क्या कहता है? तो जब हम लोग एक वीक एजेंट को यानी कि जो पूरी तरह से हमें डिजीज नहीं काउज कर सकता है लेकिन वह लिविंग फॉर्म में है, लिविंग है बट एटीन्यूएटेड माइक्रोब्स हैं, तो वैसे वैक्सीन को हम लोग कहते हैं एटीन्यूएटेड वैक्सीन। लिविंग बट एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड का मतलब समझो अधमरा, जो ना पूरी तरह से जिंदा है ना पूरी तरह से मरा है, आधा मरा हुआ आधा जिंदा है। लिविंग बट एटीन्यूएटेड माइक्रोब्स आर यूज एज वैक्सीन। एग्जांपल में देखिए,
सेबिन, पोलियो वैक्सीन, टाइफाइड का वैक्सीन या फिर इन्फ्लुएंजा का, नहीं इन्फ्लुएंजा नहीं, मम्स का, सेबिन पोलियो का हो गया, मम्स का हो गया, एमएमआर से ही पूरा, मम्स, मीजल्स और रूबेला, जिसे हम लोग एमएमआर का वैक्सीन कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड में देखिए, इनएक्टिव वैक्सीन। इनएक्टिव वैक्सीन का मतलब, इनएक्टिव वैक्सीन का मतलब कि जो उस पैथोजेन को हम लोगों ने इनएक्टिव कर दिया है, और इनएक्टिव करके एज ए वैक्सीन यानी एक सॉल्यूशन के रूप में उसको हम लोग अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इनएक्टिवेटेड होल एजेंट को हम लोग एज ए वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं, जैसे रैबिज का, खास करके वायरस वाले का हम लोग इसमें यूज करते हैं, तो यह इनएक्टिवेटेड वायरस होता है। इन एक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड वायरस आर यूज्ड, इनएक्टिवेटेड वायरस आर यूज्ड फॉर वैक्सीन। तो इस इनएक्टिवेटेड वायरस के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो रैबिज, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो। रैबिज आप जानते हैं, तो डॉग की तरह आवाज निकालने लगता है, रैबिज, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो। इनएक्टिवेटेड के बाद में टॉक्सॉइड, तो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स ऑफ, इनएक्टिवेटेड टॉक्सॉइड आर यूज एज वैक्सीन्स बिकॉज सम बैक्टीरिया secretes toxin in body। तो जैसा बैक्टीरिया टॉक्सिन सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, वैसे इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को यानी टॉक्सॉइड को हम लोग अपने बॉडी में इंजेक्ट करके और उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडी जो हमारा बॉडी तैयार कर ले उसको जब यूज करते हैं, तो दैट इज द टॉक्सॉइड वैक्सीन, ठीक है। फिर है कंजुगेटेड वैक्सीन। कंजुगेटेड वैक्सीन का मतलब हो गया, कंजुगेटेड वैक्सीन कि जब पॉलीसेकेराइड फ्यूज विथ या मिक्स विथ पॉलीसेकेराइड मिक्स विथ किसके साथ मिक्स हो गया, तो प्रोटीन के साथ, पॉलीसेकेराइड मिक्स विथ प्रोटीन दैट यूज्ड एज वैक्सीन, दैट यूज एज वैक्सीन, जिसको हम लोग किस तरह से यूज किए, वैक्सीन के रूप में यूज कर लेते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल के रूप में जो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन हम लोगों ने तैयार किया है वो इसी का एक एग्जाम्पल में से एक है। साथ ही साथ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी का भी जो है वो खास करके हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी के लिए तैयार किए थे हम लोग,
जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है हेमोफिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी के लिए। अब एक लास्ट टाइप जो है वह है हमारा डीएनए या न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। डीएनए या न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन जो है कमर्शियल लेवल पे अभी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ है, यानी अभी वो ट्रायल में है। न्यूक्लिक एसिड और डीएनए वैक्सीन, इट इज अंडर ट्रायल, नो एनी वैक्सीन, नो एनी वैक्सीन वैक्सीन एट कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल पर्पस से अभी इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन नहीं, लेकिन हाँ इसके लिए ट्रायल चल रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लो एड्स का वैक्सीन, एड्स के लिए, या फिर हेपेटाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए खास करके। तो ऐसे जो वैक्सीन जो ट्रायल में चल रहे हैं, या अभी कोरोना के लिए भी आप ले सकते हैं, वो भी अंदर ट्रायल में, तो वो डीएनए वैक्सीन में ही आ सकता है। अब एक अनदर वे से भी हम लोग वैक्सीन को हम लोग बांटते हैं। वैक्सीन ऑल्सो डिफरेंशिएट इन अनदर वे, ठीक है। जैसे एक वैक्सीन का नाम है फर्स्ट जेनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जेनरेशन वैक्सीन का मतलब जिसको ट्रेडिशनल तरीके से अभी तक जो बनाते आ रहे थे, प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिशनल वे, तो ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल वे से जिस वैक्सीन को हम तैयार करते हैं वह फर्स्ट जेनरेशन का वैक्सीन है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में हो गया साल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, या ट्रेडिशनल तरीके से, या स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, तो प्रिपेयर्ड विद कॉन्वेंशनल मेथड। एग्जांपल में साल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, या स्मॉल पॉक्स का भी डाल सकते हैं। हाँ, स्मॉल पॉक्स। अब आइए इसमें फिर है सेकेंड जेनरेशन वैक्सीन का मतलब हुआ कि जो वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से तैयार कर रहे हैं, तो प्रिपेयर्ड बाय विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर भी आपको पढ़ना है, तो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो वह वैक्सीन जो है वह सेकेंड जेनरेशन में आता है। जैसे हेपेटाइटिस बी का हुआ, हर्प्स का हुआ, इन्फ्लुएंजा का, या फिर रैबिज का। तो हेपेटाइटिस बी, हर्प्स, रैबिज,
इन्फ्लुएंजा इट, और फिर इसमें भी एक थर्ड जनरेशन तो जो वैक्सीन अभी अंडर ट्रायल है, यानी अभी तक कमर्शियल लेवल पे मार्केट पे नहीं आए हैं, तो वैसे वैक्सीन को हम लोग क्या कहते हैं, तो थर्ड जन वो वैक्सीन क्या हो जाएगा, तो वो वैक्सीन थर्ड जनरेशन का वैक्सीन में काउंट होगा। द सिंथेसाइज्ड वैक्सीन विच आर अंडर ट्रायल, सिंथेसाइज वैक्सीन विच आर अंडर ट्रायल, ओके, तो ये थर्ड जनरेशन का। तो वैक्सीन में बस इतना आपको जानना है, अब इसकी आगे की बात हम लोग अब आगे देखेंगे, ओके।